एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन का 40वां दिन आज, किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में शुरू होगी। सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने अल्टीमेटम दिया, कहा अगर बातचीत फेल होती है तो 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून वार्ता के एजेंडे में शामिल होगा, तब तक वापस नहीं जाएंगे। किसानों से 8वें दौर की बातचीत से पहले राजनाथ सिंह से मिले नरेंद्र सिंह तोमर, सूत्रों के मुताबिक मौजूदा संकट के जल्द से जल्द समाधान के बीच का रास्ता ढूंढने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर चर्चा हुई। राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर फिर आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़प, बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सोनिया गांधी ने बयान जारी कर कहा पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे किसानों की पीड़ा दिखती नहीं, उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाकर सरकार एजेंडा चला रही है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, लिखा किसानों को एमएसपी की गारंटी न देने वाली मोदी सरकार उद्योगपतियों को अनाज गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान परिसर में छत गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई, एफआईआर में नामजद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष गिरफ्तार। मुरादनगर में शमशान परिसर में छत गिरने से 25 लोगों की मौत, 13 लोग घायल, कई की हालत गंभीर। मुरादनगर में करीब 4 महीने पहले बनाई गई थी छत, एनडीआरएफ की टीम ने एबीपी न्यूज से कहा छत में खराब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। तो फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कुछ और अहम खबर, बात कोरोना की। देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। सभी लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, एबीपी न्यूज से पीएम मोदी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा गरीबों को मुफ्त और बाकी लोगों को सस्ते दरों पर मिलेगी वैक्सीन। एबीपी न्यूज से बातचीत में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा 5 करोड़ डोज तैयार हैं, हमने पहले ही तैयारी कर ली थी, सरकार से अनुमति का इंतजार। कोरोना की 2 वैक्सीन की मंजूरी को पीएम मोदी ने हर भारतीय के लिए गर्व का दिन बताया, पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा देश में बनी वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत की बड़ी कामयाबी। भारत ने कोरोना वैक्सीन की मंजूरी का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया स्वागत, कहा दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा वैक्सीन की सुरक्षा को कई स्तरों पर देखा जाता है, इसलिए हमें वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। वैक्सीन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, कांग्रेस नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने वैक्सीन को मंजूरी देने पर सवाल उठाए, थरूर ने कहा तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, अभी से इस्तेमाल ठीक नहीं। कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला, कहा विपक्ष को भारत की कामयाबी पर नहीं होता गर्व, ऐसी राजनीति को देश खारिज करता रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का विपक्ष को जवाब, कहा वैज्ञानिकों का सम्मान करें, वैक्सीन का राजनीतिकरण करना शर्मनाक, सुरक्षा और प्रभाव की जांच के आधार पर ही वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस ने बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा हमले पर भी सवाल उठाया था, अब वैक्सीन पर शंका जाहिर कर रहे हैं। वैक्सीन पर अगली खबर का रुख कर लेते हैं, वैक्सीन पर शशि थरूर के बयान से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का किनारा, कहा वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा, थरूर ने कहा कि जल्दबाजी में मंजूरी हो सकती है, खतरनाक। दिल्ली में कोरोना पर राहत भरी खबर है, लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 500 से ज्यादा कम केस सामने आए हैं, संक्रमण की दर भी अब तक के सबसे कम स्तर पर पहुंची है। मुंबई से राहत देने वाली खबर है, कल कोरोना के बेहद कम मामले सामने आए थे, 24 घंटे में सिर्फ 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष का आज एक दिन का गुजरात दौरा, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होगी अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, सीएम विजय रूपाणी समेत कई नेता होंगे शामिल।
गुजरात दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अहमदाबाद में अखिल भारतीय टीम के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ममता पर विवादित बयान, बोले अगर ममता को हत्या का डर सता रहा है तो उन्हें केंद्रीय एजेंसी की सुरक्षा लेनी चाहिए, उनका भतीजा ही हत्या कराकर सहानुभूति का वोट ले सकता है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, हुगली में पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, राज्य में इस साल है विधानसभा चुनाव। बंगाल के पिच पर उतरे ओवैसी ने ममता पर बोला हमला, कहा ममता कर रही है अनाप शनाप बांटें, टीएमसी को अपनी हार और बंगाल में बीजेपी के उदय पर आत्मचिंतन करना चाहिए। बंगाल सरकार में मंत्री राजीव बनर्जी ने फिर बोला टीएमसी नेताओं पर हमला, कहा पार्टी कार्यकर्ताओं का व्यवहार किया तो वही टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। सीबीआई ने पशु तस्करी मामले में विनय मिश्रा को पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे तलब किया। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी विनय मिश्रा के घर छापे में लेनदेन की एक अहम डायरी भी मिली है। कुछ अहम सियासी खबरें और रख देते हैं आपके सामने। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी से जुड़े 80 साल के बुजुर्ग की हत्या, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप, टीएमसी ने घरेलू विवाद में हत्या की बात कही, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, राज्य में पत्थरबाजों से कड़ाई से निपटने के लिए बनाएंगे कानून, सार्वजनिक जगहों पर तोड़फोड़ करने वालों से वसूली जाएगी कीमत। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।